हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन बंसल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम और सूजी से बनने वाली एकदम आसान सी रेसिपी। झटपट बनकर ये तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक आम। आम को पहले चाकू से इस तरह से काट लें। काटने के बाद अब इसके बीच में इस तरह से कट लगा दें और फिर चम्मच से इसका सारा पल्प निकाल लें। पल्प निकाल कर आप सीधे इसको मिक्सर ग्राइंडर जार में डालते जाएं। पल्प निकालने के बाद अब इसको हम ढक देंगे और इसकी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर नहीं करना। और ये मैंगो प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमें ये मैंगो प्यूरी तैयार करनी है, तो इसको एक बार हम साइड में रख देंगे। अब गैस पे रखेंगे हम एक पतीला। इसमें हम 1.5 कप पानी गर्म करेंगे। 1-2 पिंच इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर। इसको अच्छे से मिला दें। अब पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक बार हम साइड में रख देंगे। अब गैस पे रखेंगे हम एक कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप देसी घी और 1/2 कप डालेंगे सूजी। अब सूजी को घी के साथ हमें यहाँ पर रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम है या मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर इसको हमें जब तक रोस्ट करना है जब तक कि सूजी का कलर हल्का ब्राउन ना आने लगे। और ये देखिए सूजी का कलर हल्का ब्राउन हो चुका है, तो ऑलमोस्ट हमारी ये सूजी पककर तैयार हो चुकी है। बस थोड़ा सा और इसे हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना बस। और थोड़ी देर और पकाने के बाद ये देखिए सूजी का कलर थोड़ा सा और ब्राउन हो चुका है और ये थोड़ी सी फ्लफी भी नज़र आने लगी है। बस अब हमारी सूजी पककर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसमें हम जो हमने गर्म करके पानी रखा हुआ था वो डाल देंगे। पानी आप यहाँ पर गर्म करके ही डालें, ठंडा बिल्कुल भी ना डालें। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। जब भी हम सूजी का हलवा या आटे का हलवा बनाते हैं तो पानी उसमें गर्म ही यूज़ करें, ठंडा बिल्कुल भी ना डालें कभी भी। तो इस पानी को हमें यहाँ पर बिल्कुल सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें जो हमने तैयार करके मैंगो प्यूरी रखी हुई थी वो डाल देंगे। प्यूरी को हमें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मिला देना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इससे मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मैंगो प्यूरी को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो जितनी हमने सूजी ली थी उतनी हमें यहाँ पर चीनी डालनी होती है। तो 1/2 कप इसमें हम चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ी सी कम ली है क्योंकि आज इसमें हमने मैंगो प्यूरी डाली है तो मैंगो भी हमारा मीठा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी 1/2 कप से कम चीनी ली है जो कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़े से इसमें हम कटे हुए बादाम डाल देंगे। इनको भी अच्छे से एक बार मिला दें और ये हमारा मैंगो हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखने में जितना ये टेस्टिंग लग रहा है उतना ही खाने में ये टेस्टी होता है। आप इस हलवे को तुरंत बनाकर सर्व कर सकते हैं। जब भी आपका मन हो मैंगो हलवा खाने का तो इसे आप तुरंत बनाकर सर्व कर सकते हैं। सर्व करने के लिए इस तरह से कोई भी बाउल में डालें और इसको प्लेट में निकाल लें, या फिर आप इसको बर्फ़ी की तरह भी काट एक प्लेट में बर्फ़ी की तरह इसको जमा दें और फिर बर्फ़ी की तरह काट कर इसे सर्व कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए थोड़े से काजू और बादाम लगा दें। और देखने में भी ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में भी तो है ही ये टेस्टी। तो दोस्तों, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी आपको ये अच्छी लगे हो तो दोस्तों आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।